हेलो कॉमर्शियंस वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिफ्टींथ और में बहुत ज्यादा पास आने वाला है बहुत ही कम टाइम बचा है तो यहाँ पर आपके जो तो सी की प्रिपरेशन है उसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे और यहाँ पर अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटीज वेलफेयर एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें पैसा जुड़ा होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल रहे होते हैं इजी क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर के आराम से आपको सारे बनना चाहिए आगे बढ़ते तो यहाँ पर आता है आइडेंटिफाई बच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर नहीं है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूमर थ्योरी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग तो यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो सिंगल चीज की बात की जा रही है तीन ऑप्शन में लेकिन जो सी ऑप्शन है वहां पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो कि माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स है उसकी बात की जा रही है ये अपन ने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा है तो भैया यहाँ पर सी इज योर राइट आंसर आइडेंटिफाई दॉट द्री सेंट्रल प्रॉब्लम फेस बाई एन इकनॉमी एक इकनॉमी कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं फेस करती है वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूसर होम टू प्रोड्यूसर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम वो तो अपन फेस करते हैं लेकिन वो सेंट्रल प्रॉब्लम में नहीं आता है इसलिए करेक्ट आंसर अपना डी हो जाता है तो यहां पर भी इजी क्वेश्चन था द प्रॉब्लम दैट डील्स विदॉइस ऑफ द टेक्निकोडक्शन इज रिफर्ड टू एज वॉट टू प्रोड्यूस इन वट क्वान्टिटी हाउ टू प्रोड्यूसर प्रोड्यूस या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो अगेन यहां पर टेक्निक की बात की जा रही है हम सब लोग जानते हैं कि जब भी टेक्निक आता है ना तो टेक्निक वर्ड से एसोसिएटेड आपका हमेशा हाउ टू प्रोड्यूस होता है तो बी इज योर राइट आंसर चलो अभी तक सारे करेक्ट होने चाहिए आपके अब आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी इज टू तो बेसिकली यहां पर क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट डि प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंसर्न पीपल ठीक है आप यहां पर एलोकेट कर रहे हो रिसोर्सेज को ताकि जो लोगों है उनकी सेटिस्फैक्शन पर फुलफिल हो जाए सेटिस्फाइड हो जाएं वो लोग सच एन अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स मैक्सिमम आउटपुट पर काम कर रहे हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हो या फिर मैक्सिमम गुड्स एट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो हाउ टू प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्निक की बात की जा रही है यहाँ पर होम टू प्रोड्यूस आता है और यहाँ पर तो तो ये क्वेश्चन तो ही यहाँ पर ऑप्शन ही नेगेटिव हो जाता है सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कि हमको एलोकेट करना चाहिए जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाता है अगर सिक्स पर चलते हैं तो आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी या फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी जो कि आपको यहां पर लग रही है क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी को फॉरगोन कर दिया है सो इट इज द बेस्ट तो यहां पर यानी कि नेक्स्ट बेस्ट होगा तो बी आपका यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा अब यहां पर आगे बढ़ते तो आ जाता है डैश कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइड से गुड्स वाई टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स यानी कि आपने क्या किया कि कुछ चीजों को कुछ क्वांटिटी एक्स थी एक्स की कुछ क्वांटिटी थी जिसको आपने फॉरवर्न कर दिया उसको सेक्रीफाइस किया ताकि आपको एक एडिशनल यूनिट मिल सके गुड एक्स का तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ कॉस्ट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल रेट ऑफ कंजम्पशन तो यहाँ पर एक ही चीज हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से पढ़ी है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay, आगे बढ़ते हैं डैश इज अ कर्व दैट कर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोमी सज दैट ऑल द गिवन रिसोर्सेज इज एफिशियंटली सो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है डिमांड कर्व होता है सप्लाई करेक्ट आंसर आपका कर्व नहीं होगा यहां पर होगा कि भैया जो वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है कि यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए सो करेक्ट आंसर अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो जाता है इसी को हम लोग कर्व भी, भी बोलते हैं एक ही बात यहां पर हो जाती है तो बी इज य प्राइम अजम्पन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या प्राइम एजम्पन यहां पे नहीं होता है सबसे पहले आता है ओनली टू गुड्स कैन बी बाय द इकोनॉमी एट अ टाइम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वुड रिमेन फिक्स्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर आर गिवन एंड कांस्टेंट ऑल ऑल द द द इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज तो देखो डी तो होता है सी भी मेरे हिसाब से होता है क्योंकि रिसोर्सेज आपके गिवन और कॉन्स्टेंट होते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी फिक्सड होती है लेकिन ओनली टू गुड्स नहीं भाई दो से ज्यादा गुड्स की भी हम लोग देख सकते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कितने गुड्स यहां पर ले रहे हो तो यहां पर ए ऑप्शन भी आपका यहाँ पर जो है यहां पर सही हो जाता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिजल्ट इन स्लोपिंग कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड्स कॉन्केव अपवर्ड्स कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स या फिर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स तो यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आप फॉलो करते जा रहे हो ठीक है और उसकी कॉस्ट आपकी बिल्कुल बढ़ती जा रही है तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा दैट इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स आपका जो बेसिकली uh, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा वो और यहां पर नीचे होता जाएगा तो कॉनकेव करता जाएगा डाउनवर्ड्स क्लियर है बात चलो आगे बढ़ते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम वॉट टू प्रोड्यूस किससे रिलेट कर रही होती है तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव चॉइस बिटवीन लैंड एंड टेक्नोलॉजी एंड एड टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोमी प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस तो यहाँ पर वॉट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है ठीक है क्या चीज़ आपको प्रोड्यूस करना है आपका बहुत सारी चीजें आप बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको क्या करना है तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन तो अपन नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो होम पे आता है यहाँ पर हाउ टू पे आता है ये भी हाउ टू पे ही आता है कि लैंड को टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए यहाँ पर यह अलग चीज़ हो गई प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ये जो होता है आपका वॉट टू प्रोड्यूस से यहाँ पर लिंक्ड होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाता है चलो भी आगे बढ़ता जाता है कि विच ऑफ दॉट कंसर्न प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न नहीं है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इनकम अनलिमिटेड ह्यूमन अनिल्ड्स या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज तो देखो यहां पर आपके पास ऑल्टनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स है ये कंसर्न प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कि भाई बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो इसके अलावा आपके पास ह्यूमन वॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं लिमिटेड स्कोर्स है स्कैर्स रिसोर्सेज uh, है लेकिन एक्सेसिव इनकम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर अपना हो जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डरसिटी अराइज स्कैरसिटी कैसे अराइज हो रही है सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज मोर देन डिमांड सप्लाई ऑफ रिसोर्स लेस देन डिमांड सप्लाई ऑफ रिसोर्स इक्वल डिमांड या फिर सप्लाई ऑफ रिसोर्स अनिलेटेड टू डिमांड यानी कि आप जितने भी रिसोर्सेज को सप्लाई कर रहे हो डिमांड से ज्यादा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जितने भी आप रिसोर्सेज को सप्लाई कर रहे हो डिमांड से कम है इसलिए स्केयरसिटी आ रही है ये हो सकता है सप्लाई रिसोर्स इक्वल रिलेटेड नहीं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बी कि हम जितने भी रिसोर्सेज को सप्लाई कर रहे हैं वो पर कम है अपनी डिमांड से इसलिए तो यहाँ पर ऑफ रिसोर्सेज स्केरसिटीज हो रहा है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है ये अपन को पता लगाना है इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई ये तो माइक्रो इकोनॉमिक है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ये भी है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड नेशनल इनकम नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है डायरेक्टली आप डी पर आंसर पे क्लिक कर सकते हो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे माइक्रो लेवल प्रॉब्लम इट इज आइडेंटिफाइड अव स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल माइक्रो लेवल प्रॉब्लम एज इट इज द स्टडी अबाउट एन इंडिविजुअल माइक्रो लेवल प्रॉब्लम इज स्टडी होल या फिर माइक्रो लेवल प्रॉब्लम तो अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो आपने थ्योरी ऑफ इनकम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा अभी अपन ने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है इसको तो ये अपना अपने आप ही अपने आप ही ये जो चीज है Uh, यहां पर मैक्रो की हो जाती है और मैक्रो की चीज तभी होती है जब हम एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर फिफ्टीन का जो डी ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाता है अगर सिस्टम क्वेश्चन आ जाता है दैट इज द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो नोन एज इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज चॉइस ऑफ टेक्निक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जाता है अ टीचर एज ऑप्शन ऑफ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड अर्न सैलरी ऑफ वन लाख रुपीज पर मंथ वन लाख रुपीज पर मंथ यहां पर जो है निकाल रही है रनिंग अ कोचिंग सेंटर एंड अर्निंग वन ट्वेंटी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ यानी कि कोचिंग सेंटर चला रहे वहां से ज्यादा पैसा आ रहा है भैया गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा शी चूज एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइडेंटिफाई हर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देखो एक लाख की यहाँ पर नौकरी थी और सेकंड ऑप्शन था एक लाख बीस हजार का इनने यहां पर गवर्नमेंट जॉब को चूज किया है और यहां पर कोचिंग सेंटर वाला एक लाख बीस हजार रुपए कर दिया तो जो नेक्स्ट बेस्ट जो ऑल्टरफाइस किया दैट इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आता है कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन वेन तो स्ट्रेट लाइन कब होगा जब यहां पर मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिश हो रही होगी नेगेटिव हो रही होगी या फिर कॉन्स्टेंट हो रही होगी तो देखो स्ट्रेट लाइन तब होगा जब कोई भी चीज कॉन्टेंट होती है ये तो अपन सबको पता है, ये तो बेसिक चीज है तो यहाँ पर जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जब वो कॉन्स्टेंट होती है तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आई होप से कोई दिक्कत नहीं है डैश इज द स्लोप फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये एक स्लोप है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डैश इज द स्लोप यहां पर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी काम आ रहा होता है और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम आ रहा होता है तो so, मैं यहां पर डी के साथ मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों के साथ मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू वन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड कटिंग एक्स एक्स एंड एक्स एक्सल डिस्टेंस एट पॉइंट ऑफ ओरिजन कॉन्वेक्स कर्व स्लोपिंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या फिर अ कॉन्केव कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यार देखो लगता है मुझे कि यहाँ पर जो मार्जिनल अपोजिट कॉस्ट है अगर वो कॉन्स्टेंट है और इक्वल टू वन है तो इसका भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि यहां पर स्ट्रेट लाइन बनने वाली है सो करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन आपकी बन रही होगी क्लियर है बात चलो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कंज्यूम वो अपलाइज टू द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज लेस डेवलप डेवलप कंट्रीज में स्केरसिटी होती है अप्लाई ओनली बस लिखा है तो ये गलत हो जाएगा Does नॉट अप्लाई टू डेवलप कंट्रीज ऐसा कुछ नहीं होता है पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है जो कि सबसे सेंस यहां पे बना रहा है निमिशा इज वर्किंग a अ प्रोफेसर ऑन lakh ऑफ टू लाख रुपीज पर मंथ जॉब ऑफर्स वर्क एज अ फाइनेंशियल एनलिस्ट ऑफ ए सैलरी ऑफ तीन लाख रुपीज टू वर्क एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑन द सैलरी ऑफ डेढ़ लाख रुपए इनकेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल भी अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सैलरी पर वो दो लाख रुपये पर काम कर रही है उनके पास दो ऑप्शन है एक तीन लाख वाला एक डेढ़ लाख वाला तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आएंगे बट यहाँ पर हम लोग हमेशा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपका यहाँ पर हो जाएगा थ्री लाख ,00 रुपीज तो सी इज द राइट आंसर आगे बढ़ता जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर ऑप्टेड लेबर डिस्प्लेसिंग इकोनॉमी लेबर सरप्लस इकोनॉमी कैपिटल सरप्लस एफ ए डेवलप्ड इकोनॉमी तो भैया लेबर इंटेंसिव वहीं से लेंगे जहां पर लेबर की सरप्लस होगी तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी अ पॉइंट ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट दैट पॉइंट ऑन पीपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज ऑल द रिसोर्सेज नॉट फुल यूटिलाइज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी ऑल द बोड्यूसन रिसोर्स यूटिलाइड एंड फुली एंड एफिशियंटली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि जो पीपीसी वाला होता है इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो भी हमारा पीपीसी कर्व बन रहा होता है उसके यही पॉइंट्स होते हैं कि जितने भी पॉइंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं पीपीसी कर्व के ऊपर वो सब कुछ इक्वली एफिशिएंट एंड प्रोड्यूसिंग ऑल द कमोडिटीज़ बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हो रहा है डी ऑप्शन भी मुझे लग रहा था पर ये ज़्यादा सेंस मुझे बना रहा है तो मैं ए के साथ जाऊँगा पॉइंट बिलो पी पी सी इंडिकेट पीपीसी पर क्या इंडिकेट करता है पॉइंट बिलो यानी कि बिलो यानी कि ऐसा है तो कुछ यहां का ही होगा ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज या फिर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड तो यार देखो बिलो है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अंडर यूटिलाइजेशन होगा यार ठीक है बिलो है क्योंकि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट अ रीजन फॉर द शिफ्ट ऑफ पीपीसी आपका शिफ्ट नहीं होगा पीपीसी ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे आएगा तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड डिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है विथ ऑफ द फॉलोइंग एलस्ट अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग इन पी पी सी तो यहाँ पर पी पी सी को कौन सा यहाँ पर डिक्रीज हो decrease in unemployment रहा है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कर रहा है अ मूवमेंट अलॉन्ग अ मूवमेंट डाउन अलॉन्ग द पी पी सी यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कम है डाउन अलॉन्ग द पी पी सी है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी पी राइट वर्ड शिफ्ट है यहां पर पहली चीज मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन पीपीसी टू अंट इन साइडी मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट इन साइड द पीपीसी तो यहाँ पर डिक्रीज इन अनुप्लॉयमेंट कब होगा डैश लीड्स टू अ राइट वर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करव अप्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन डिस्ट्रक्शन रिडक्शन तो यहाँ पर ऑड वन आउट कर लो ये तीनों नेगेटिव है सिर्फ ये पॉजिटिव है तो यहां पर करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाता है अ वॉर इज गोइंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया लेट टू डैश ऑफ यूक्रेन मूवमेंट अलॉन्ग राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड नो शिफ्ट तो यहां पर क्योंकि वॉर हो रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा था और अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी लेफ्ट वर्ड शिप्टो यहां पर आपकी जो डिमांड है उसमें कमी आएगी तो लेफ्ट वर्ड शिप यहां पर हो जाएगा स्लोप ऑफ पीपीसी कैन बी कैल्कुलेटेड आज कैसे आप कैल्कुलेट करोगे स्लोप ऑफ पीपीसी को ए बायन ए एक्स वाई ऑपन एक्स गेन ऑफ सेक्रीफाइस गेन ऑफ अ गुड एंड सेक्रीफाइस ऑफ अ गुड या फिर एक्स अपॉन वाई तो देखो यार यहाँ पर स्लोप ऑफ पीपीसी को आपको अगर देखना है तो सी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा दैट कि कितना आप गेन कर रहे हो गुड को और कितना सेक्रीफाई कर रहे हो दोनों को डिवाइड करोगे तभी उससे आएगा सो यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर अपने थर्टी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे अब वो हमारे दिमाग से नहीं हटेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान रखना है दैट इज आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मेरी भी हेल्प हो और आपकी भी बहुत सारी हेल्प यहाँ पर हो जाए तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कॉमेंट करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट